हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस पर हम लेके आए हैं हरियाणा के अंदर बीएमएस कॉलेज की क्या फीस रहने वाली है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल आयुष का नोटिफिकेशन है दोस्तों, जो श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हम नीचे लेके जाएंगे। सबसे पहला कॉलेज है दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, जिसकी कुछ फीस ही नहीं है, नाम मात्र से फीस है। प्राइवेट के कंपेरिजन में 15,482 एक ईयर की फीस है। उसके बाद जाता है दोस्तों एमएसएम इंस्टीट्यूट, जिसकी फीस जाती है दोस्तों 68,000 अप्रोक्स। उसके बाद आता है सबसे महंगा दोस्तों कॉलेज, जो कि बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लगभग फीस आपकी जाएगी 4 लाख से ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है गुड़गांव में, ये भी सबसे महंगा कॉलेज है, इसकी अप्रोक्स फीस जाती है दोस्तों 5 लाख। उसके बाद हॉस्टल फीस अलग से जोड़ लीजिए आप। इसके बाद देख सकते हैं आप आयुज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल जोधपुर सिरसा हरियाणा, इसकी फीस जाती है आपकी लगभग 3 लाख रुपए। और उसके बाद देख सकते हैं हॉस्टल के अलग से भी देख सकते हैं, इसमें जुड़ेंगे तो 3 लाख से ऊपर जाएगी 4 लाख। मोटा मोटा आप मान के चलिए दोस्तों, आप हॉस्टल के साथ रहते हैं तो मिनिमम फीस आपकी रहेगी 4 लाख पर ईयर किसी आयुर्वेदिक कॉलेज की। उसको आप इंटू कर लेना दोस्तों 4 × 4.5, मोटा मोटा 5 ही लाख मान लो आप, तो सीधा 20 लाख मिनिमम रहेगी दोस्तों आपकी फ़ीस हरियाणा के अंदर। इसके बाद आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी फीस रहने वाली है दोस्तों आपकी 3,07,500 प्लस हॉस्टल चार्जेस अलग से हैं। चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक भगतवार बुरिया रोड जगागिरी डिस्ट्रिक्ट यमुना नगर, ये बढ़िया कॉलेज है दोस्तों, इसकी फीस रहने वाली है आपके लगभग 4 लाख के अराउंड हॉस्टल का जोड़ के। इसके बाद जाता है गणपति आयुर्वेदिक कॉलेज केथल रोड करनाल जिंद हरियाणा, इसकी भी जाएगी दोस्तों आपकी फ़ीस 4 लाख पास। इसके बाद जाता है हमारा दोस्तों पुराना सा छोटा सा प्यारा सा कॉलेज, जो कि हेमराज लाल रसायन आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चरखी दादरी में डिस्ट्रिक्ट भिवानी में, इसकी फीस जाएगी आपकी 3.5 लाख अप्रोक्स। इसके बाद मेस चार्ज जोड़ोगे तो ये भी 4 लाख में पड़ेगा। उसके बाद जाता है हमारा जाटों की शान गौर ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज ब्राह्मणवास में, दोस्तों नाम का ब्राह्मणवास है, उधर तो बहुत गुंडागिरी है रोहतक में, तो बाबा मस्तनाथ और गौर ब्राह्मण में जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा दोस्तों, माहौल उधर का थोड़ा बिगड़ा सा मिलेगा आपको, पहले बता रहे हैं जाट भरे उधर, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज, लिस्ट में सबसे बढ़िया कॉलेज दोस्तों मेरे माने तो आप यही है, श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज है यमुना नगर वाला। उसके बाद तो सारे कॉलेज ऐसे ही आएंगे दोस्तों, तो आपने एडमिशन लेना है ढंग से कॉलेज की तलाश में दोस्तों, तो आप श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज में ट्राई ज़रूर मारिएगा दोस्तों, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट भी अच्छी सादी हैं, उसके कैंपस भी बहुत तगड़ा है, और उसकी दोस्तों कंपनी से लिंक भी बहुत हैं, ये काफ़ी सारी कंपनी से लिंक है, तो आपको बहुत आसानी से उधर नौकरी मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद आते हैं बीएमएस कोर्स के लिए, जो कि किशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रोहतक में है, इसकी फ़ीस तो कुछ नहीं है दोस्तों, लगभग आपकी 2.5 लाख रुपये फीस जाएगी दोस्तों। ये सब था वीडियो में, तो इस साल आप देख सकते हैं आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से गवर्नमेंट कोटा दे रखे हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ज़्यादातर SC ST कैटेगरी वाले की फ़ीस वापस हो जाती है, रिफंड हो जाती है दोस्तों, तो वो भी आपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारे दोस्तों कॉलेज नीट की रिजर्वेशन पे हैं, आपकी नीट क्वालिफाई तो ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, आपको प्राइवेट में लेना है तो एडमिशन, दूसरा सरकारी में तो आपको पता ही हो कट ऑफ कितनी जाती है नीट की, सरकारी के लिए कट ऑफ आपका अप्रॉक्स 520 प्लस जाएगी जनरल के लिए, और OBC के लिए जाएगी लोग दोस्तों अप्रॉक्स स्टेट कोटा मिला के 500। इसके बाद दोस्तों आपकी जाएगी SC के लिए, जो कि SC की जाएगी दोस्तों अप्रॉक्स 400। उसके बाद जाएगी ST के लिए दोस्तों, ST के लिए आपकी जाएगी 390 अबाउट। ये सब था दोस्तों को पूरा BMS कोर्सेज के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन से स्टेट में BMS कॉलेज की फ़ीस जाननी है उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं उस स्टेट की। और ऑल इंडिया MBBS काउंसलिंग अभी होने वाली है दोस्तों, तो काउंसलिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे आपको। एंड दोस्तों आप किसी भी कॉलेज स्टेट से हैं, आपने अपने नंबर कमेंट में करने हैं, जैसे कि हम आपको लो बजट में बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट कॉलेज सजेस्ट कर सकते हैं, MBBS का मिनिमम बजट रहने वाला आपका 70 लाख रुपए, तो आप ये सोच के चलिएगा दोस्तों। एंड BMS कर रहे हैं तो आपका अप्रोक्स चल जाएगा 15 से लेकर 20 लाख, और बेस्ट जगह है दोस्तों लो बजट में तो वो है पंजाब दोस्तों, BMS आपके अंडर 10 लाख में हो जाती है, 10.5 लाख तक हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आपका हॉस्टल चार्ज लगाओगे 5 लाख तो 15 लाख में पड़ जाएगी। अब आपने देखना दोस्तों आपको कौन सा कॉलेज बढ़िया लग रहा है, वहाँ पर जाके अपनी डिग्री लेनी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।